पूर्ण महेश्वर दोस्तों तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिये 16 नवंबर 2023 की सुबह है, 10:03 पर मंगल आपकी राशि यानी तुला राशि से निकलकर अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 28 दिसंबर 2023 तक यानी साल 2023 के अंतिम तक मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक में गोचर करने वाले हैं। तो इसका देश काल और वातावरण के ऊपर और समस्त 12 राशि वाले जातकों के ऊपर प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता मिल सकती है और इन 42 दिनों में कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल को ग्रहों का सेनापति युद्ध का देवता माना गया है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का, विज्ञान का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर मंगल का प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। मंगल मकर राशि में उच्चस्थ अवस्था में होते हैं, वहीं कर्क राशि में जब ये मौजूद होते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर मंगल यदि बलवान अवस्था में विराजित हों तो इनके जो प्रभाव होते हैं काफी सकारात्मक होते हैं। मंगल बली हो तो खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। मंगल बली हो तो जातक रूपवान होता है, शारीरिक रूप से काफी मजबूत होता है। मंगल के बली होने पर जीवनी शक्ति शरीर की बढ़ी हुई होती है, ऐसे में विपरीत परिस्थितियों में भी या कठिनाइयों में भी अगर जातक को डाल दिया जाए तो अपने साहस के दम पर विपरीत परिस्थितियों को लड़ने में भी समर्थ होता है और बाहर निकलने में भी समर्थ होता है। वहीं पीड़ित मंगल के प्रभाव से यदि जन्म कुंडली पर मंगल पीड़ित हो, कमजोर हो, फोड़े फुंसी की समस्या, रक्तचाप शरीर में होता है। मंगल के पीड़ित होने पर शत्रुओं से पराजय का सामना करना पड़ता है, परिवार में समस्याएं होती है, जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमेबाजी जीवन में लगी रहती है। वहीं मंगल के द्वारा यदि कुंडली पर मांगलिक दोष का निर्माण हो जाए तो वैवाहिक जीवन में या तो विलंब का सामना करना पड़ता है या वैवाहिक जीवन में कलह का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव मिलने जा रहा है। तुला राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मंगलदेव 16 नवंबर 2023 को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और आपके दूसरे घर में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार करते हैं। मंगल आपके द्वितीय भाव पर विराजित होकर चतुर्थ दृष्टि से आपके राशि के संतान भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के आयु भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से आपके राशि के भाग्य भाव को देखने वाले हैं। तो इसका प्रभाव तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिला जुला पड़ने वाला है। मंगल आपके धन भाव पर विराजित होंगे तो आर्थिक उन्नति आपके जीवन में काफी ज्यादा होगी, धन के मामले में इजाफा आपके जीवन में होने जा रहा है। वाणी भाव पर मंगल का गोचर होने से आपकी वाणी काफी कठोर हो सकती है,
इसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो तुला राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर और पारिवारिक जीवन में दोनों जगह पर आपको नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों, इस समय अंतराल में शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है और यदि आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, पुलिस, फौज या प्रशासनिक क्षेत्रों में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मंगल के ही प्रभाव से आपके जीवन में शारीरिक मामलों में आपको अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। नवम भाव पर मंगल की दृष्टियां पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी और अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टियां आपके सेहत को मामले में भी उतार चढ़ाव डाल सकती है। तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में वाहन चलाते समय भी सावधानी बनाकर चलनी चाहिए, वहीं सेहत को बेहतर रखने के लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों, सेकंड हाउस पर मंगल का प्रभाव रहेगा तो वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन को लेकर भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कुटुंबी जनों के बीच में व्यर्थ का वैचारिक मतभेद निर्मित ना हो, इसका आपको जीवन में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मंगल जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए गेहूं, तांबा, गुड़, सौंफ, लाल वस्त्र का दान करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो भी आपको जीवन में काफी शुभता देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।